हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स ग्रो में। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे सैंपल पेपर। तो सैंपल पेपर के हमने 3 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। सेक्शन ए डिस्कस कर लिया है, सेक्शन बी डिस्कस कर लिया है, सेक्शन सी डिस्कस कर लिया है, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कराएंगे सेक्शन डी को। ठीक है, तो हम लोग पार्ट वाइज वीडियो बना रहे हैं जिससे कि आप आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सेक्शन डी पर। तो सेक्शन डी में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, लेट एन बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इफ अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एन क्रॉस एन सच दैट ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी इफ एंड ऑनली इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी वेयर ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस आई देन सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑल्सो फाइंड क्लास ऑफ 1,5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये हमारा सेट जो हमारा रिलेशन फंक्शन वाला टॉपिक है, तो रिलेशन से हमारा क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। सबसे पहले तो हमें ये क्या शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए आपको शो करना होगा कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको ये रिफ्लेक्सिव शो करना होगा, रिलेशन की रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो यहाँ जो सेट दे रखा है, अगर मैं उस सेट की बात करूं, सेट हमें एन क्रॉस एन दे रखा है ना, सेट जो दे रखा है वो एन क्रॉस एन दे रखा है। तो यहां पर मैं, क्योंकि एलिमेंट जो आएंगे वो अब एन क्रॉस एन से आएंगे, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएंगे, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एलिमेंट को सपोज कर ले रहा हूं। सपोज ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी एंड सी इज इक्वल टू ई कॉमा एफ। ये मैंने एलिमेंट सपोज कर लिए। 3 एलिमेंट्स कहां से लिए हैं, एन क्रॉस एन से लिए हैं बेटा, क्योंकि एन क्रॉस एन से जो हम एलिमेंट लेंगे वो हमारे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव हमें शो करना है। देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो एलिमेंट हम ले रहे हैं सेट से वो खुद से रिलेट करना चाहिए, है ना। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है कि एलिमेंट जो भी हम ले रहे हैं, सपोज आपने कोई ए एलिमेंट किसी सेट ए से लिया, तो ये ए जो है वो खुद से रिलेट करना चाहिए। हमारे पास ऐसा एक रिलेशन अगर है जिसमें कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ गिवन सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन वी कैन से दैट रिलेशन इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर कोई एलिमेंट लेना है, सपोज आपने ए कोई एलिमेंट ले लिया और ए इस फॉर्म में है, तो यहाँ अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो ए को किससे रिलेट होना पड़ेगा, ए से ही रिलेट होना पड़ेगा। ठीक है, ये एलिमेंट लिया एन क्रॉस एन से, तो ये कोई एलिमेंट ले लिया, अगर ये रिफ्लेक्सिव है हमारा रिलेशन जो गिवन है, ये रिलेशन गिवन है आपको, है ना, ये है रिलेशन आपके पास, ये अगर आपका रिफ्लेक्सिव है रिलेशन, तो ये जो एलिमेंट है जो हमने ए लिया है वो किससे रिलेट करना चाहिए, ए से रिलेट करना चाहिए। और ए की वैल्यू आपने कितनी ले रखी है, ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी किससे रिलेट करना चाहिए, ए कॉमा बी से रिलेट करना चाहिए। अब ये रिलेट कब करेगा, रिलेट तब करेगा जब आपकी ये वाली कंडीशन होल्ड होगी। अब ये कंडीशन क्या है, फर्स्ट का और लास्ट वाले जो हमारे नंबर है उन दोनों का सम, पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर उन दोनों का सम। तो यहाँ पर पहला नंबर ए है, लास्ट वाला नंबर बी है, तो ए प्लस बी इन दोनों का सम किसकी इक्वल होना चाहिए, जो हमारे मिडिल में टर्म्स आ रहे हैं उनके सम की इक्वल होना चाहिए। मिडिल टर्म क्या आ रहे हैं, बी प्लस ए, तो ए प्लस बी हमारा किसकी इक्वल हो जाएगा, बी प्लस ए की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम ही है ना, ये दोनों सेम आ गए। तो जब ए प्लस बी मेरा बी प्लस ए की इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या है, जो ए है वो ए से रिलेट करेगा, जब ए ए से रिलेट करेगा तो मतलब जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो आर कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव, आर कैसा हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्रिक को चेक कर लेते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं, ये रिलेशन जो गिवन है वो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी से, तो बी भी रिलेट करना चाहिए ए से, सिमेट्रिकली ये कंडीशन होती है। ठीक है ना, डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिसिटी क्या होती है कि अगर कोई एलिमेंट है ए, अगर वो एलिमेंट हमारा किसी एलिमेंट बी से रिलेट कर रहा है, तो बी एलिमेंट भी ए से रिलेट करना चाहिए। तो मैंने ए और बी दो एलिमेंट ले लिए, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी रिलेट किससे करना चाहिए, सी कॉमा डी से। तो अगर ए कॉमा बी सी कॉमा डी से रिलेट कर रहा है, तो ए प्लस डी जो होगा, ए प्लस डी किसकी इक्वल होगा, बी प्लस सी के इक्वल होगा। ठीक है, ए प्लस डी किसकी इक्वल होगा, बी प्लस सी के इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अब आप इसको उल्टा करके देख लो, बी रिलेट कर रहा है ए से, तो इसका मतलब क्या होगा, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है सी कॉमा डी, ए की वैल्यू कितनी है, ए कॉमा बी। भाई इसको सॉल्व कर लो, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सी प्लस बी, C
सी प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए प्लस डी के इक्वल होना चाहिए या डी प्लस ए के इक्वल होना चाहिए, है ना। सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। तो आप यहां पर देखो, यहां पर भी तो यही लिखा हुआ है बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी, और ये भी यही लिखा हुआ है बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी, ये भी यही लिखा हुआ है ना। तो यहां पर आप देखोगे तो ए रिलेट कर रहा है बी से, क्योंकि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी आ रहा है, और बी रिलेट कर रहा है ए से, बी रिलेट कर रहा है ए से, क्योंकि बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी यहां से भी आ रहा है। तो यहां कह दोगे देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। तो आर हमारा कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। आर हमारा कैसा हो गया, जो रिलेशन था वो सिमेट्रिक हो गया। अब हमें चेक करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव हमारा चेक हो गया, सिमेट्रिक हमारा चेक हो गया, अब हमें ट्रांजिटिव है कि नहीं ये चेक कर लेना है। देखो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट है ट्रांजिटिविटी चेक करनी है कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए बेटा ट्रांजिटिव के लिए ए रिलेट करना चाहिए बी से, और बी रिलेट ए अगर सॉरी इफ ए रिलेट कर रहा है बी से और बी रिलेट कर रहा है सी से, तो हमारा ए किससे रिलेट करना चाहिए, सी से रिलेट करना चाहिए। तो ये हमें शो करना है। तो अगर ए रिलेट कर रहा है बी से, इफ ए रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाइज अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो मतलब ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। तो यहां से हमारे पास क्या इंप्लाई होगा कि ए प्लस डी हमारा बी प्लस सी के इक्वल होगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आप बी रिलेटेड टू सी करा लीजिए,
तो बच्चों सेक्स हम टू क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन के, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन हैज मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाफ द रेडियस ऑफ द कोन। तो यहां पर प्रूव दैट द सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन हैज मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया, मतलब एक आपके पास कोन है, ये कोन है ठीक है, और इस कोन के अंदर ही इंस्क्राइब किया गया है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर इंस्क्राइब किया गया। तो क्या लिखा है, प्रूव दैट द सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन हैज मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज हाफ द रेडियस ऑफ द कोन। तो सिलेंडर की रेडियस आप आर मान लीजिए, ठीक है, और कोन की रेडियस आप स्मॉल आर मान लीजिए, कोन की रेडियस को आपने क्या मान लिया, स्मॉल आर मान लिया, ठीक है। अब हाइट आपको नहीं पता, हाइट कोन की हाइट आप स्मॉल एच सपोज कर लो और सिलेंडर की हाइट आप कैपिटल एच सपोज कर लो, मान लिया ये एच है, यहां से यहां तक ये एच है, पॉइंट रिप्रेजेंट कर लीजिए, ये मान लिया आपके पास ए पॉइंट है और यहां पर आप सपोज कर लो ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये आप ज्वाइन कर लो, इसको आप डी सपोज कर लो, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है और इस पॉइंट को आप एफ सपोज कर लो, ठीक है बेटा। तो फिगर मैंने बना लिया, अब यहां पर आप देखिएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया वो हम कैसे निकालते हैं, एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का CSA हम निकालेंगे, मैं उसे ऐसे दिखाता हूं, 2 पाई R। अब यहां पर जो R है वो आप देख लीजिए, R क्या है, कैपिटल R, R क्या है हमारा, कैपिटल R है सिलेंडर का, है ना, 2 पाई R और हाइट कितनी है, कैपिटल H, 2 पाई RH, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया CSA ऑफ सिलेंडर। अब यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर R भी अननोन है और H भी अननोन है, जो हाइट है सिलेंडर की वो भी अननोन है, हमें नहीं पता इसके बारे में, और जो कैपिटल एच है वो भी हमको नहीं पता, लेकिन आपको कोन गिविन है ना, तो कोन अगर गिविन है तो कोन का जो हमारा आर है ये आपका गिविन माना जाएगा, जो कोन का आर है वो हम क्या मान के चलेंगे, आप गिविन मान के चलेंगे, है ना, कोन का हाइट और जो आर है उसको आप गिविन मान के चलेंगे, क्योंकि सिलेंडर में बनाया गया है, प्रूफ दैट द सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन, तो कोन आपको आपको पता है ये आप मान के चलेंगे, तो उसका हाइट और आर को हम लोग मान के चलेंगे कि वो गिविन में है। तो यहां पर बेटा मैं इसको वन वेरिएबल में चेंज करूंगा, ये दो वेरिएबल में हो गया, आर में भी आ गया और एच में भी आ गया, तो आप इसको वन वेरिएबल में चेंज कर लीजिए। तो वन वेरिएबल में चेंज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो बेटा आप यहां पर ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल आप ले लो, मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, हो सकता है उधर से ना दिखे, ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल आप ले लो ए एफ ई, एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है ए एफ ई, ये दो ट्रायंगल आपने ले लिए एबीसी और ए एफ, इन दोनों ट्रायंगल को देखो तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल 90 है यहां पर ये एंगल 90 है, और ये देखेंगे बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी हमारा कैसे होगा, सेम ही होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि बीसी और जो एफ ई है दोनों पैरेलल है, पैरेलल है तो ये हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल से सेम हो जाएगा, तो ट्रायंगल ए बी सिमिलर हो जाएगा ए एफ ई के, जब ये सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लो बेटा ए बी, ए बी ये तो हमें नहीं पता ए बी कितना आएगा, ए बी कितना आ जाएगा, देखो टोटल हाइट आपने एच मान रखा है, टोटल हाइट एच है और सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच है, तो ए बी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, है ना, ए बी अपॉन, ए बी अपॉन कितना ए एफ, ए एफ कितना है स्मॉल एच, है ना। जब हमारे पास अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो आपने पढ़ा होगा बेटा करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आता है, मतलब ए बी, ए बी की करेस्पॉन्डिंग साइड होगी ए एफ, बी सी, बी सी की करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी एफ ई, और ए सी, ए सी, ए सी की करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी ए ई होगी, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आता है, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए एफ लिख दिया, अब बी सी, बी सी हमारे पास कितना है बी सी, बी सी क्या है सिलेंडर का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस आपने कैपिटल आर मान रखा है, और एफ ई क्या है, एफ ई है कोन का रेडियस, है ना, ये हमारा कोन का रेडियस है, तो ये कैपिटल स्मॉल आर मान रखा है।
तो यहां से ये रिलेशन हमें बन के आ गया, तो मैं क्या करूंगा यहां से R की H की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है, कैपिटल H की वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता हूं, तो कैपिटल H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कैपिटल H निकालना है तो H का इधर मल्टीप्लाई, तो H माइनस एच इज इक्वल टू आर एच अपॉन आर, मुझे कैपिटल H निकालना है तो H माइनस आर एच अपॉन आर इज इक्वल टू H, ये निकल के आ जाएगा, ये होगा बेटा आर एच, ठीक है, आपने इसका इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो एच आर अपॉन आर, अब क्या किया एच निकालना है तो सही है बेटा, है ना, इसको सॉल्व कर लो, तो स्मॉल आर एच माइनस कैपिटल आर एच अपॉन आर इज इक्वल टू एच, ये बन के आ गया कैपिटल एच, तो कैपिटल एच की वैल्यू लगा दो तो एस हो जाएगा टू पाई आर, और कैपिटल एच की वैल्यू है हमारे पास ये, यहां से बेटा आप क्या करेंगे, अब कैपिटल एच स्मॉल एच कॉमन आ जाएगा, स्मॉल एच हमारा कॉमन आ गया, अब क्या बचेगा आर माइनस आर अपॉन आर, है ना, ये बनेगा, देखिएगा बेटा स्मॉल एच दोनों से कॉमन आ गया तो स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर अपॉन आर ये बन जाएगा। अब यहां पर मैंने पहले ही बताया था कि कोण हमें गिविन है, तो कोण का रेडियस जो स्मॉल आर है वो भी कॉन्स्टेंट माना जाएगा, है ना, गिविन में आएगा, और जो हाइट है उसको भी हम लोग क्या मान के चलेंगे, कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे। तो यहां पर अब आपके पास जो वेरिएबल है वो बस कैपिटल आर है, तो मैं एस इज इक्वल टू टू पाई एच और कैपिटल आर से अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो आर आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, ये आपके पास बन के आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास बन के आ जाएगा। अब बेटा इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा किसके रेस्पेक्ट में, कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे, कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि वेरिएबल आपके पास क्या है, कैपिटल आर, स्मॉल आर नहीं है, कैपिटल आर आपके पास वेरिएबल है, इसके रेस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये टू पाई एच ये बचेगा, कैपिटल आर का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, तो ये आर और ये टू आर, ठीक है, टू कैपिटल आर अपॉन में ये आर एज इट इज रहेगा, क्योंकि आर आपका कॉन्स्टेंट, स्मॉल आर आपका कॉन्स्टेंट है, कैपिटल आर आपका वेरिएबल है, क्योंकि स्मॉल आर हमारा क्या है, कोण का रेडियस है, कैपिटल आर हमारा सिलेंडर का रेडियस है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बच्चों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए, क्योंकि आपको गिविन है कि जो कर्व सरफेस एरिया है उसको मैक्सिमम दिखाना है ना, मैक्सिमम दिखाना है, तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को किसके इक्वल लगा देंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है, तो जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो मेरे पास टू पाई एच आर माइनस टू आर अपॉन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आर हमारे पास आ जाएगा, आर हो जाएगा हमारा टू आर के इक्वल, आर कितना आ जाएगा, टू आर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो यहां पर क्या दे रखा है, तो हमारा जो कैपिटल आर में अगर निकालूंगा तो कैपिटल आर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई टू निकल के आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है, तो बेटा एक मिनट रुकिएगा, यहां तक क्लियर हो गया होगा, अभी आगे सॉल्व करते हैं। तो बेटा अब आगे देखेंगे, तो हमारे पास एक पार्ट प्रूव हो गया, यहां पर क्या लिखा है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाफ द रेडियस ऑफ कोन, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर आर था और रेडियस ऑफ कोन हमारा स्मॉल आर था, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, हाफ द रेडियस ऑफ कोन आ गया बेटा, ठीक है, यहां तक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद लिखा हुआ है यहां पर कि जो सी एस ए है वो हमारा कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तो सी एस ए को मैक्सिमम दिखाना है, तो क्या करेंगे, यहां से बेटा मैं इसको रफ कर देता हूं, ये रिलेशन आपके क्लियर हो गया होगा, तो अब इसको सी एस ए को हमें मैक्सिमम दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना, सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी टू एस अपॉन डी आर स्क्वायर, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे आर के रेस्पेक्ट में, तो टू पाई एच, आर का डेरिवेटिव हमारा जीरो हो गया, और इसका डेरिवेटिव, क्योंकि आर हमारा कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखिएगा आर हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और यहां पर माइनस का टू अपॉन में आर, तो आपके पास डी टू एस ओवर डी आर स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा माइनस का फोर पाई एच अपॉन आर। अब यहां पर अगर आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू आप कैपिटल टू आर या ये तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा बेटा नेगेटिव है, यहां कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका दिख रहा होगा कि हमारा कैसा आ गया, डी टू एस बाई डी आर स्क्वायर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जो एस हुआ, जो आपने सी एस ए मान रखा है, ये कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया, देयर फॉर एस इज मैक्सिमम, दैट इज सी एस ए इज मैक्सिमम, सी एस ए ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, क्लियर है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, यही सो करना था,
यहाँ पर यह सोचना था कि सीएसए जो है सिलेंडर का, और वो सिलेंडर हमारा इंस्क्राइब्ड है कहाँ पर, पोल में, तो उसका सीएसए हमारा कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम कब होगा, जब रेडियस ऑफ सिलेंडर जो होगी वो रेडियस हाफ होगी रेडियस ऑफ कोन का। तो यहां से प्रूव हो गया ये रेडियस ऑफ सिलेंडर है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कोन आ गया, ये दिख रहा है। और यहां से हमने ये भी दिखा दिया कि इसका जो सीएसए है सिलेंडर का वो कैसा है, मैक्सिमम। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, देखिए बच्चों, अब यहां पर जो सेकंड पार्ट है वो है, अब बायर, एक मिनट रुकिए, ठीक है, दिख रहा था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चल रहा है कैमरा। अब बायर इज लेंथ ऑफ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीसेस। ये कोई बायर है, इसकी लेंथ टोटल 28 मीटर है, इसके दो पार्ट बना दिया, मान लिया एक पार्ट एक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर इसका एक पार्ट एक्स है तो दूसरा पार्ट कितना हो गया 28 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। कट इनटू टू पीसेस, दो पीसेस में काट दिया। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर, मान लिया इस वाले पीस से, इसको सी मान लो, ए सी से आपने स्क्वायर बना दिया है ना, इससे आपने स्क्वायर बना दिया पी क्यू आर एस। अब जब स्क्वायर बनाया इस वायर से, इस वाले पार्ट से आपने स्क्वायर बनाया, तो यहां पर टोटल लेंथ आपके पास, मान लिया स्क्वायर की लेंथ आपके पास कितनी है, जो स्क्वायर की साइड है वो ए मान लो, स्क्वायर की साइड कितनी मान ली ए, तो जो 4a होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, क्योंकि x लेंथ को लेकर ही ये स्क्वायर बनाया है, x लेंथ को लेकर ही ये स्क्वायर बनाया है, तो पेरीमीटर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये 4a इक्वल टू x आ जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू जो निकलेगी वो एक्स बाई फोर आ जाएगी ना, ए क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद लिखा हुआ है एंड अदर इन टू अ सर्कल, दूसरे पार्ट से जो 28 माइनस एक्स वाला है इसे सर्कल बना दिया। सपोज सर्कल की रेडियस आपकी r है, सर्कल की रेडियस कितनी मान ली r, तो यहां से जो 2 पाई r होगा वो किसकी कॉल होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो 28 माइनस एक्स है, क्योंकि 28 माइनस एक्स से ही तो आपने सर्कल बनाया है, तो सर्कमफेरेंस जो होगी किसकी कॉल होगी, 28 माइनस एक्स की कॉल हो जाएगी। तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी 28 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, रेडियस ऑफ सर्कल की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट द कंबाइन एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मैक्सिमम। अब इनका कंबाइन एरिया को मैक्सिमम दिखाना है और फिर एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एरिया पे हम बात कर रहे हैं, एरिया, कंबाइन एरिया, कंबाइन एरिया, तो मैं ए से इसको डिनोट कर देता हूं। तो एरिया ऑफ सर्कल भी लेके चलना है और एरिया ऑफ स्क्वायर भी लेके चलना है। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर से निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, तो 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड के स्क्वायर से निकालते हैं, राइट। तो साइड स्क्वायर, साइड हमारे पास है एक्स बाई फोर, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 16 हो जाएगी, है ना, एक्स स्क्वायर बाई 16। यहां पर एक पाई से एक पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल कर दो, ये हटा दो पाई, यहाँ केवल 4 पाई बच जाएगा, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए, डी ए डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2 28 माइनस एक्स अपॉन 4 पाई, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव और करोगे तो माइनस आगे, और यहां पर डेरिवेटिव करोगे तो 2 एक्स अपॉन 16, ठीक है। 2 से कैंसिल होगा, 2 2 या 4, और ये 2 8 या 16। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर लो, डी 2 ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो दोबारा से डेरिवेटिव निकालोगे, अभी दोबारा से मत करिए, बाद में कर लेंगे, अभी हमें वैल्यू भी निकालनी है ना एक्स की। तो भाई डी ए ओवर डी एक्स ये आ गया। अब एरिया चाहे मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके लिए आपको डी ए डी एक्स को किसके इक्वल लगाना पड़ेगा, जीरो के इक्वल लगाना पड़ेगा। तो भाई इसको जीरो के इक्वल लगा लो बच्चों, तो माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इनका एलसीएम ले लो, तो यहां पर एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, 24 जाए 8, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इधर प्लस का x इज इक्वल टू कितना, 0। तो
आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा, ये वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब 28 का 4 में मल्टीप्लाई करो, 28 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 112, है ना, माइनस का प्लस का 4x प्लस का x इज इक्वल टू जीरो, ये बन के आ गया भाई, ये बन के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, यहां पर कुछ बचा तो नहीं है, हाँ यहां पर एक मिस्टेक है, एक मिस्टेक होगी बेटा, चलो अभी पता चल गया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। ये देखो पाई और था इसके साथ, ये 2π और था ना, पाई और था, तो ये मिस्टेक हो गई यहां पर, एक मिनट रुको। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 8π आएगा, तो 2π से इसको काटेंगे तो यहां तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 28 माइनस एक्स, और 8 से इसको काटेंगे तो यहां पाई एक्स हो जाएगा, ये हमारा था बस, तो इज इक्वल टू जीरो मैंने सॉल्व करके लिख लिया, इतना आ गया। 28 का 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 112 प्लस का 4x प्लस का पाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो 112 अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 प्लस पाई, 112 4 प्लस पाई, भाई ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, मतलब जिससे स्क्वायर बनाए ना, स्क्वायर बनाए वो वाली वैल्यू आपकी निकल आई, 112 अपॉन कितना आ गया, 112 अपॉन 4 प्लस पाई। तो दूसरा पार्ट हम 28 माइनस एक्स करके निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू लगा के वहां से दूसरा पार्ट निकल आएगा। लेकिन मुझे इस एरिया को, बच्चों मुझे इस एरिया को कैसे दिखाना है, इस एरिया को मुझे कैसे दिखाना है बेटा, मैक्सिमम दिखाना है, ठीक है। यहां मैंने कुछ, एक मिनट रुको, ये था एरिया ऑफ सर्कल पाई इंटू आर स्क्वायर, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, मैंने रफ कर दिया था ना, ये मिस्टेक हो जाता, एक्स स्क्वायर बाई 16। अब देखिए बच्चों, x की वैल्यू आ गई, मुझे एरिया को मैक्सिमाइज कराना है, मतलब मैक्सिमम दिखाना है, x की वैल्यू, इस वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू दिखानी है एरिया को, तो आप क्या करेंगे, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास डी टू ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। सपोज ये इक्वेशन ए है ना, इक्वेशन ए को दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हो क्या दिखाने के लिए, कि एरिया मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये दिखाने के लिए आप इसको दोबारा से, तो दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई 28 ये माइनस एज इट इज लगा हुआ है, 28 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव आपके पास -1 अपॉन में कितना 2π एज इट इज, और यहां पर x का डेरिवेटिव आपके पास 1, तो 1/8 ये बन के आ गया भाई। तो ओवरऑल आप चेक करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 1/2π आया है ना, प्लस 1/2π, तो ये हमारा कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। आपको कैसे दिखाना था, यहां बेटा कहीं मिस्टेक हुई है, एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि एरिया हमारा एंड सर्कल इज मैक्सिमम, एरिया कंबाइन एरिया हमारा मैक्सिमम आना चाहिए और यहां से हमारे पास मिनिमम निकल के आ रहा है, तो एक मिनट क्वेश्चन रीचेक कर लेते हैं, मिनिमम है बेटा, क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है यहां पर, मिनिमम, ठीक है। तो यहां से देख रहे हो कि डी टू ए ओवर डी एक्स स्क्वायर हमारा कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया इज मिनिमम, एरिया कैसा आ गया हमारे पास, मिनिमम आ गया, क्लियर है, एरिया हमारे पास मिनिमम हो गया जब डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो यहां से क्या प्रूव हुआ कि हमारे पास लेंथ जो होगी ना वायर की, वो 28 मीटर है, और वहां से एक पीस की लेंथ हमारे पास 112/4 प्लस पाई होगा, दूसरे पीस की अभी निकाल लेंगे, और एरिया हमारे पास मिनिमम हो जाएगा, ये हमने दिखा दिया। अब सेकेंड पीस की लेंथ आपको निकालना है तो वो कितना आ जाएगा वो भी देख लो, यहाँ पर बेटा सेकेंड पीस की लेंथ यानी बीसी, ये जो आया है ए बी क्या आया है, सॉरी जो x आया है वो AC की वैल्यू है, अब आप BC निकालो तो BC कितना आ जाएगा, 28 माइनस x, x की वैल्यू कितनी है, 112 अपॉन 4 प्लस पाई, 4 प्लस पाई, तो BC इज इक्वल टू 28 इंटू 4, 112 माइनस 28 पाई माइनस का 112, ये प्लस का है अपॉन में कितना, 4 प्लस पाई, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो BC हमारे पास निकल के आ गया 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को डील करना था, क्लियर है। तो अब चलते हैं सेक्शन डी का, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा हम इस पार्ट के सेक्शन डी के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला बाय स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द स्ट्रेट लाइन बाय इज इक्वल टू 2x, हमें और इसका ये और वाला पार्ट है, तो पहले पार्ट को देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला बाय स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द स्ट्रेट लाइन बाय इज इक्वल टू 2x, कैसे निकालेंगे एरिया। तो यहां पर सबसे पहले तो आप इसका कर्व ड्रॉ कर लेंगे,
कर्व किस टाइप से ड्रॉ होगा, देखिए x x डैश y y डैश, तो यहाँ पर 22² = 4x का मतलब है आपके पास ये वाला शेप बन जाएगा, और 22² = 2x का मतलब है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये जो लाइन है ये लाइन की इक्वेशन है, आप इसे देखेंगे तो ये लाइन की इक्वेशन है ना, y = mx + c, आप देख रहे होंगे इसी फॉर्म में है ये, तो x का टर्म तो है बट कांस्टेंट टर्म नहीं है, है ना, तो यहाँ पर ये लाइन हमारी कहाँ से पास हो रही होगी, ऑरिजिन से पास हो रही होगी, इस टाइप से कोई लाइन होगी, तो आपको एरिया आपको ये वाला फाइंड आउट करना है, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इस एरिया को आपको कैसे निकालना है, देखिए तो सबसे पहले तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो कहाँ पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट करेंगे, तो फर्स्ट कर्व दे रखा है आपको ये और सेकंड कर्व आपको दे रखा है ये बेटा, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड कर्व, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड कर्व, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर बाई इक्वल टू हमें 2x दे रखा है ना, तो बाई के प्लेस पर आप 2x लगा दो, तो ये 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना, तो 4a² x² = 4ax, आप इस पूरी वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर लो, तो 4a² x² - 4ax = 0, यहाँ से 4a कॉमन ले लो, एक x भी कॉमन ले लो, 4a भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया a और यहाँ बच गया x, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या बचेगा, एक मिनट रुकिए, क्या कॉमन ले सकते हो, 4a कॉमन ले सकते हो, और क्या कॉमन आ सकता है, एक x भी कॉमन आ सकता है, तो एक x यहाँ बचा और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ से आप देखेंगे या तो x इक्वल टू 0 होगा या फिर x इक्वल टू 1 होगा, तो x की दो वैल्यू निकली यहाँ से, x इक्वल टू 0, आइदर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, तो नहीं बेटा ये ax है, थोड़ी सी मिस्टेक है, हाँ ये ax है, तो यहाँ पर मेरा 1 अपॉन a आएगा, x की वैल्यू 1 अपॉन a, तो दो वैल्यू निकल आए, एक तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो ये रहा, और x इक्वल टू 1 अपॉन a, यहाँ पर x इक्वल टू हमारा ये क्या होगा बेटा 1 अपॉन a हो जाएगा ना, यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है ये 1 अपॉन a, तो ये पॉइंट हमें मिल गया, x की वैल्यू बस निकाल लो, तो x हमारा कितना निकला 1 अपॉन a, और x एक्सिस पर अगर मैं लिखूंगा इस कोऑर्डिनेट को तो 1 अपॉन a कॉमन 0, y की वैल्यू निकालने की नीड नहीं है, x से हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा, ये 0, 0 है और यहाँ पर 1 अपॉन a कॉमन 0, तो आप इस एरिया को कैसे निकालेंगे, ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये अपर कर्व आपको दिख रहा हो रहा है ना, ये अपर कर्व और ये लोअर कर्व है, तो यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा देंगे, लिमिट लगा दो, लिमिट कितनी, x की लिमिट लेनी है आपको x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 अपॉन a, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 अपॉन a, फिर अपर कर्व आपको कितना दिख रहा है, 22² = 4ax, यहां से आप y की वैल्यू निकालें, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2√a (√x), ये y की वैल्यू आ जाएगी 2√a (√x), तो यहां पर 2√a और ये √x, तो y1 अपर कर्व आप लिख लेंगे पहले और वहां पर y की वैल्यू लिखनी है, ठीक है, माइनस लोअर कर्व कितना है आपके पास 2ax, तो ये भी लिख लो आप यहाँ पर 2ax, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर देना है, वही ये जो एरिया है निकल आएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों 0 to 1 upon a, इसको सॉल्व करो, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 2a^(1/2), इसको इंटीग्रेट करेंगे रूट एक्स को, तो रूट एक्स को इंटीग्रेट करने पर एक्स की पावर निकलेगी 3/2 और ये 2/3, लिमिट कितनी 0 to 1 upon a, माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 × x²/2, लिमिट कितनी 0 to 1 upon a, ये हमारे पास बन के आ जाएगा, अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये बेटा हम सॉल्व करेंगे, तो एक मिनट ऊपर मैं लिख देता हूं इसको, देखिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 4/3, 4/3 a^(1/2) और यहां पर 1/a कितना होगा बेटा 1/a^(3/2) दैट इज 1/a^(3/2) है ना, ये से लिख सकते हैं, और माइनस में कितना a × 1/a², अब इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा का पूरा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये 1/2 नीचे जाएगा, तो 4/3 और ये 3/2 बेटा इसको माइनस करेंगे तो 3/2 में से 1/2 जाएगा तो 2/2 That is, a बच जाएगा, माइनस यहाँ पर 1/a आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो एलसीएम लेंगे तो 3a, तो 4 माइनस एलसीएम ले लिया 3a, तो 4 माइनस a से इसको डिवाइड करेंगे तो 3, तो 1/3, दैट इज एरिया जो आपके पास निकल के आया इस रीजन का कितना आ गया 1/3 निकल के आ गया, क्लियर है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से आपको एरिया निकालना है, ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, कि सेकंड पार्ट को हम लोग कैसे सॉल्व, तो बच्चों अब देख लेते हैं हम इसके और वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो
तो यहाँ पर लिखा है यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ये वर्टिसेस आपको गिवन है और इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं हम लोग, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 कॉमा 0, 1 कॉमा 0 ये पॉइंट हो जाएगा 1 कॉमा 0, ठीक है 2 कॉमा 2 ये वाला पॉइंट हमारे पास 2 कॉमा 2 हो गया, ये हो गया ये बी हो गया 2 कॉमा 2, और सी कितना है 3 कॉमा 1, ये सी है 3 कॉमा 1, मतलब एक्स एक्सिस पर 3 1 2 3 और 1 हमारा ये 3 कॉमा 1, ये सी हो गया, ठीक है ये पॉइंट क्या हो गया सी हो गया। तो आप इनको ज्वाइन कर लीजिए, अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस एरिया को कैसे निकालेंगे, तो भाई पहले तो आप इनके जो कर्व है ना, जो लाइन है, ए बी की इक्वेशन, बी सी की इक्वेशन और ए सी की इक्वेशन निकाल दीजिएगा, पहले तो आप ये निकाल दो इक्वेशन ऑफ ए बी। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और ये एक्स माइनस एक्स वन। तो इक्वेशन जो निकालेंगे आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी तो निकालिए भाई, ये एक्स वन बाई वन ये एक्स टू बाई टू, तो बाई माइनस बाई वन, बाई वन हमारा जीरो है तो हटाई दो है ना, बाई माइनस बाई वन, ये एक्स वन बाई वन माना है मैंने, वन को एक्स वन और जीरो को बाई वन और टू को एक्स टू और टू को दूसरे वाले टू को बाई टू माना है, ठीक है तो फॉर्मूले में वैल्यू लगानी है बस आपको, ठीक है तो बाई माइनस बाई वन, बाई वन हमारा जीरो है तो मैंने हटा दिया, तो बाई इज इक्वल टू कितना, बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू माइनस बाई वन दैट इज टू माइनस जीरो टू, एक्स टू माइनस एक्स वन दैट इज वन और एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है एक्स वन के प्लेस पर आपका वन आ जाएगा, तो बाई इज इक्वल टू निकल आया आपके पास टू एक्स माइनस वन, ये हमारे पास इस कर्व की ए बी की इक्वेशन आ गई। आप निकालिए इक्वेशन ऑफ बी सी, इक्वेशन ऑफ बी सी, तो फॉर्मूला आपको यही लगाना है जो मैंने लिख रखा है, ध्यान रखेंगे इक्वेशन ऑफ बी सी निकालेंगे तो बी सी की इक्वेशन ये एक्स वन बाई वन हो गया, एक्स वन बाई वन और ये एक्स टू बाई टू हो गया ना, एक्स वन बाई वन एक्स टू बाई टू, तो बाई माइनस बाई वन, बाई वन की वैल्यू कितनी है टू, बाई माइनस बाई वन, बाई वन की वैल्यू टू, बाई टू माइनस बाई वन ये थ्री कॉमा वन है ध्यान रखेंगे ना, बाई टू माइनस बाई वन, वन माइनस टू, वन माइनस टू माइनस वन बचेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन थ्री माइनस टू जाएगा तो वन बचेगा और एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू कितनी है आपके पास, एक्स वन की वैल्यू टू है, ठीक है इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये बाई माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, तो टू को इधर ले जाएंगे तो आपके पास बाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स प्लस का फोर, ये आपके पास बी सी की इक्वेशन आ गई। अब आप निकालिए इक्वेशन ऑफ ए सी है ना, इक्वेशन ऑफ ए सी, ए सी की इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ पर एक्स वन बाई वन ये हो गया हमारा और एक्स टू बाई टू ये हो गया, तो इक्वेशन ऑफ एसी बाई माइनस बाई वन, बाई वन की वैल्यू है जीरो, बाई टू माइनस बाई वन, वन माइनस जीरो वन, एक्स टू माइनस एक्स वन थ्री माइनस वन टू और एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है आपके पास जीरो है ना, एक्स वन कितना है वन है, सॉरी एक्स वन की वैल्यू वन है, इसको एक बार रिचेक कर लो कि कहीं गलती ना होगी हो ना, गलती हो जाएगी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है तो बाई माइनस बाई वन, बाई वन ये है एक्स वन ये है बाई माइनस बाई वन, बाई टू माइनस बाई वन, वन माइनस जीरो वन हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन थ्री माइनस वन टू हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू आपके पास जीरो वन हो जाएगी, ठीक है तो बाई इज इक्वल टू ये मेरे पास ए सी की इक्वेशन आ गई। अब आपको निकालना ये वाला एरिया है ना, तो इस एरिया को कैसे निकालेंगे, देखो आप लोग पहले तो